मैंने बहुत बार कहा मैं कोई साथ भी नहीं हूँ। अभी छापो पैसे, मैंने को मना किया। तो चलिए जानते हैं कुछ जया किशोरी जी के बारे में। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जया किशोरी जी कितनी चर्चा में है, और चर्चा में है उनका एक बैग जिसकी वजह से वो ट्रोल हो रही हैं। तो चलिए कुछ बातें करते हैं हम भी जया किशोरी जी पे, और जानते हैं कि क्या सच में वो लेदर का बैग यूज़ करती हैं, क्या सच में वो लोगों को बस सिंपल रहने की एडवाइस देती हैं, सलाह देती हैं, प्रवचन देती हैं, कथा बाजती हैं और ख़ुद लग्जरियस जीवन जीती हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, ये लोग क्यों उनको इस तरह से उनके लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं, क्या बात है, ये तो फैलाने वाला ही जाने। लेकिन भाई हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं वो, ठीक है जिसके पास इतना पैसा रहेगा, जो मेहनत कर रहा है दिन रात, तो थोड़ा सा तो अपने लाइफ को अच्छा रख, अच्छी लाइफ स्टाइल तो वो जी सकता है, वो डिज़र्व करता है अच्छी लाइफ स्टाइल। क्यों आप लोग मुझे साधु बनाने पर लगे हुए हैं, मैं आम इंसान हूँ, मैं आपकी तरह ही हूँ, मैं आपकी तरह ही बच्ची हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, मैं फैमिली में रहती हूँ, मैं खाना पीना नॉर्मल खाती हूँ। और तो जया किशोरी जी ने ये क्लियर कर दिया है कि उनका जो बैग है वो कोई नया बैग नहीं है, वो बहुत सालों से उस बैग को यूज़ कर रही हैं, और बहुत बार वो इस तरह से इंटरनेट पर सामने आया है, और कई बार उन्होंने पिक्चर क्लिक किया है, और कोई नई बात इसमें नहीं है कि जो पहली बार उन्हें इनकी जो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। और ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर ही कह दिया है कि वो कोई लेदर का बैग नहीं है, वो एक फैब्रिक बैग है, और उस पर उनका नाम भी लिखा हुआ है। वो उस बैग को उन्होंने खुद स्टिच करवाया है, कस्टमाइज बैग है। तो बात रही कथावाचक के एक लाइफ की, तो ऐसा नहीं है कि कोई कथावाचक है तो उसकी वो पूरी तरह से बिल्कुल भाव भक्ति में ही रहे, बिल्कुल सादा जीवन जिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है वो करती हैं, उन्हें अच्छा लगता है, लोग उनकी कथा को पसंद करते हैं इसलिए वो करती हैं, और उनके पास वो क्वालिटी है, उनके पास वो नॉलेज है तो वो करती हैं। अगर आपके पास भी वो क्वालिटी है, आपके पास भी नॉलेज है, तो आप भी करो, आप भी छापो पैसे, आप भी लग्जरियस लाइफ जियो, आप भी महंगे फ़ोन यूज़ करो, महंगी महंगी चीज़ें यूज़ करो, महंगे बैग यूज़ करो। तो किसी के ऊपर आलोचना करना ना बहुत आसान है, और उनके चीज़ों को समझना, मेहनत किया है, जो स्ट्रगल किया है ना, वो किसी को नहीं दिखता है। हाँ बस ये बैग ऐसे ऐसे मिल रहा है, चलो भैया कर दो आलोचना, तो लो अच्छी बात है आलोचना किया आपने, तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला, जो चीज़ें थी और क्लियर हो गई। और जो लोग नहीं भी जानते थे, जो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे जया किशोरी जी में, तो वो भी अब उनके में इंटरेस्ट लेंगे, और लोग उनको जानने लगे हैं, अब वो और पैसे कमाएंगी, और उनके उनके कथा को और लोग सुनेंगे, और पैसे कमाएंगे, और लग्जरियस लाइफ जिएंगे, और अच्छी महंगी चीज़ों का यूज़ करेंगी। तो भैया इस तरह से मुंह उठा करके किसी भी कथावाचक पे ऐसे उंगली ना उठाएं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी लाइफ बहुत सिंपल है, और देखने में सिंपल है, बट पैसा है तो वो जो चाहे वो करिए, वो कोई गलत तरीके से तो पैसा कमा नहीं रही हैं कि आप उनके ऊपर उंगली उठाएं कि पैसे कहाँ से आए, क्या है, इतने उनके फॉलोअर्स हैं, उनको इतने चाहने वाले, इतना उनको लोग पसंद करते हैं, तब ऐसी लाइफ वो जी पा रही हैं। आप भी ऐसे करो, और आप भी ऐसी लग्जरियस लाइफ को जियो। जया किशोरी जी की जो भी उनका नाम लेता है ना, अगर कोई बुजुर्ग भी नाम लेता है ना, तो उनको बहुत इज्जत सम्मान से बोलता है, जया किशोरी जी बोलता है, तो ऐसे ही उनको इतना बड़ा दर्जा नहीं देता है कोई, कुछ तो हाई क्वालिटी होगी उनके अंदर, कोई तो अच्छाई होगी, तब तो सिर्फ एक बैग या फिर उनके लाइफ स्टाइल से आप उनको गलत नहीं कह सकते हो। और जो बचपन से लेकर आज तक जो लाइफ जिया है, जिस भक्ति भाव, जो प्रेम में है, उनकी कथा करता है, तो उतना वो नॉलेज लिया होगा तब तो यहाँ तक आ जाया है,
ऐसे ही तो कोई नहीं बोल सकता, आप भी उतना नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोल सकती। अगर बोल सकते हो तो आप भी बोलो, आप भी कमाओ पैसे। जया किशोरी जी भी कहती हैं कि आप भी पैसे छापो, आप भी लग्जरियस लाइफ जियो। मैंने तो कहा नहीं कि ये सब नहीं करिए, जया किशोरी जी ने कभी नहीं कहा कि आप नहीं कमाओ, बल्कि वो तो हमेशा कहती हैं कि आप अच्छे जीवन जियो, आप मेहनत करो, कमाओ, ज़्यादा पैसे कमाओ, आप अच्छे जीवन जियो, अपनी फैमिली को भी अच्छी जीवन दीजिए, अच्छी लाइफ दीजिए, वो हमेशा ये कहती हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं वो, बहुत सिंपल लगती हैं, इतना भी इजी नहीं होती है कथावाचक की लाइफ। अभी कुछ दिन पहले अनिरुद्ध चारिया जी पे भी कुछ लोगों ने कुछ तो कहा था, मैंने ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन ठीक है भाई, उतना वो लोग कथावाचक हैं, मेहनत करते हैं, बोलते हैं, पूरे टाइम वो लगे रहते हैं, और कि बहुत सारे वो लोग त्याग भी करते हैं, और कितना वो लोग सेवा करते हैं ये नहीं दिखता आपको। अभी किसी का भी आलोचना करना ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके जैसा बनना, उसके जैसा काम करना ना बहुत मुश्किल होता है। जितना आसानी से आप आलोचना किसी की कर देते हैं ना, उसका अपोजिट उतना ही मुश्किल है उसके जैसा बनना। तो भैया, किसी की भी आलोचना करने से पहले 100 बार सोच लीजिए, फिर आलोचना करिए, क्योंकि अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे है, यहाँ तक है, उसको पता है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे लोग किस नज़र से देखते हैं, तो मैं कहाँ ट्रोल हो सकती हूँ, तो इसलिए वो लोग जो भी कदम रखेंगे फूंक कर रखेंगे। हाँ कर और तो इसलिए यहाँ तक आकर के वो अपना करियर इस तरह से ख़राब तो नहीं करेंगे। जया किशोरी जी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छे से याद है, और मैं आप लोग को भी क्लियरिफाई कर देती हूँ कि मैं शुरू से लेकर आज तक लेदर की कोई चीज़ यूज़ नहीं की हूँ, आगे भी मैं नहीं करूँगी। तो ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए सबकी कि वो जो बैग यूज़ की, जिसके लिए उन्हें ट्रोल किया गया, वो एक कस्टमाइज बैग है, वो फैब्रिक की बैग है। तो इसलिए जो ट्रोलर हैं उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा, तो बहुत अच्छे से जवाब दिया उन्होंने। अगर वो गलत होती तो इस तरह से जवाब नहीं देती। तो चलिए, आई होप कि जो भी आलोचक हैं उनको उनका जवाब मिल गया होगा, और मुझे तो पहले भी पूरा विश्वास था कि वो कुछ ऐसा जो ट्रोल जिसलिए वो हो रही है वो बुरा सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको भी जया किशोरी जी बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हो, आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। मुझे तो जया किशोरी जी बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे उनका कथा बहुत अच्छा लगता है। मेरी तरह आप भी जया किशोरी जी के फ़ैन हो और आपको भी उनका कथा अच्छा लगता है, उनके बोलने का अंदाज़ अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में भर भर के जया किशोरी जी के लिए लव शेयर करिएगा।